सिलसिले में यहाँ पर आया और क्या है? वैसे ये तो इन्फिनिटी मॉल है मेरा फेवरेट, यहाँ पे अक्सर आए जाया करते थे और आज लकली वी केम फॉर मीटिंग फॉर एन आर फिल्म पीआरओ। हम हमारे पीआरओ से मिलने आए हैं और हमारी जो फिल्म है अभी फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रही है। बाकी चैंग बताया, चैंग बोलेंगे। नमस्कार। इस सिलसिले में आज आए यहाँ पर और क्या होने वाला है? हम लोग अपने पीआरओ से मीटिंग करने के लिए आए हैं और हमारी जो फिल्म है मीट मिस्टर चैंग उसको लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हमें हम पूरा फोकस है कि हम इसको, क्योंकि ये फिल्म एक कॉज पे बनी है और ये कॉज जो है ये लोकल नहीं है, यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया में किसी ना किसी प्रकार का भेदभाव होता है, तो हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ये शॉर्ट फिल्म और ये कॉज जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में जाए और हम लोग इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म को प्रोत्साहित करें और इसका प्रदर्शन करें और लोग, हम चाहते हैं कि कान फिल्म फेस्टिवल से लेके हमारे जो छोटे से छोटे स्टेट फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर ये फिल्म जाए, क्योंकि इस फिल्म में हम लोग सबसे ज़्यादा जिस कॉज के लिए हम लोग इस पर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी जो मेहनत है, हमारा जो काम है, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो। अच्छा, हमने सुना है कि फिल्म चाइना एमबीसी को भी कुछ दिखाने की प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए, कि हमारी फिल्म, हम चाहते हैं हमारी जो फिल्म है हर इंसान तक पहुंचे, क्योंकि इशू ही वैसा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म फेस्टिवल से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फिल्म फेस्टिवल तो एक पार्ट है हमारी फिल्म का, जो हम पूरी कोशिश करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक भेजने का। इसके अलावा चाइनीज एम्बेसी में हमने अप्रोच किया है, फिंगर क्रॉस ऊपर अल्लाह से दुआ करिए कि चाइना तक हमारा, वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं हमारी फिल्म, वहाँ से अप्रूव हो जाए हमारी फिल्म और वहाँ की गवर्नमेंट को भी हम दिखा सकें कि ये हमारा इशू है या आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिए, ये हमारी कोशिश है।